जनरल बिपिन रावत ने बिम्स्टेक देशों को जैविक युद्ध के प्रति आगाह करते हुए इसके खिलाफ तैयार होने की अपील की थी। सीडीएस ने जिस जैविक युद्ध की तरफ इशारा किया था वह सदियों पुराना है। जानते हैं जैविक युद्ध या हथियार कितने खतरनाक होते हैं, चलिए इस वीडियो में बताता हूँ। वायरस से लड़े जाने वाले युद्ध जैविक या बायोलॉजिकल वॉर कहलाता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। इन हथियारों से आशय उन कारकों से है जो लोगों में बीमारियां पैदा कर दे, शिकार हुए लोग मरने लगे, अपंग या मनोरोगी हो जाए। चलिए अब मैं आपको बायोलॉजिकल वॉर की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैविक हथियारों का इस्तेमाल कब और कहाँ कहाँ हुआ। जैविक हथियारों का पहला इस्तेमाल 1347 में हुआ था। तब मंगोल सेना ने प्लेग से संक्रमित 100 काफा के ब्लैक सी के तट पर फेंके थे। जहाजों से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर इटली लौटे, ब्लैक डेथ महामारी फैली और 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोग मारे गए। 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज ने एस्टोनिया के तालिन में घेर कर उन पर प्लेग से संक्रमित 100 फेंके थे। 1763 में ब्रिटिश सेना ने पिट्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेर कर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। देखिए, वर्ल्ड वॉर में भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल हो चुका है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स नामक जैव का इस्तेमाल किया था। उसने दुश्मन के घोड़ों व मवेशियों को संक्रमित करने के लिए गुप्त कार्यक्रम चलाया था। सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश की थी। जापान ने टाइफाइड वाले वायरस को सोवियत के जल आपूर्ति वाले पाइपों में मिला दिया था। यह पहला युद्ध था जब दोनों पक्षों ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजिकल वॉर को रोकने के लिए दुनिया ने क्या प्रयास किए। वर्ल्ड वॉर में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के बाद अधिकांश देशों ने इस पर रोक लगाने के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बना, ये 1975 में लागू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत ने ऐसे जैविक हथियार विकसित किए हैं, तो इसका आंसर है नहीं। भारत ने ऐसे किसी भी प्रकार के हथियार नहीं बनाए हैं। इन्हें विकसित करने वालों देशों में जर्मनी, अमेरिका, रूस, चीन जैसे 17 देश शामिल हैं। यहां तक वीडियो देखने के बाद आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर एराइज होगा, क्या कोरोना भी वैसा ही एक जैविक हथियार है। कोरोना फैलने के साथ ही चीन पर बीते साल से ही आरोप लग रहे हैं कि उसने इस वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया। इसके मुताबिक चीन लगातार अपने बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा, और ये न्यूज भारत के लिए खतरे की घंटी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।